Dear students, good afternoon. Myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SETH, RN Ruhiya Government College, Ramgarh Shekhawati, District Sikar, Rajasthan. बच्चों BSc Part 2 Organic Chemistry में हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है Derivative of Carboxylic Acids. And this is the 8th part. अब तक मैं आज तक YouTube पर इसी चैनल पर इस चैप्टर के 7 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूं. नाउ वी स्टार्ट. हमने 7th पार्ट में स्टार्ट किया था एसिटामाइड. दिस एमाइड, एसिटिक एसिड का एमाइड, इसके बनाने की विधियां, यू नो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, राइट. नाउ दिस इज द लेबोरेटरी मेथड कि प्रयोगशाला में हम किस प्रकार एसिटामाइड का विरचन करते हैं. विरचन का मतलब है संश्लेषण करते हैं. बच्चों यहां पर हम अमोनियम एसिटेट को गर्म करते हैं और अमोनियम एसिटेट को गर्म करने पर बच्चों बेसिकली क्या होता है कि ये जो दिस इज द फॉर्मूला एसिटिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड और इसकी रिएक्शन जब अमोनिया के साथ होती है तो यहां बनता है CH3COONH4. दिस इज द सॉलिड कंपाउंड अमोनियम एसिटेट, राइट. बच्चों CH3COO- कार्बोक्सिलेट एसिटेट, दिस इज द सॉलिड कंपाउंड. इस अमोनियम एसिटेट को जब गर्म करते हैं देन बच्चों यहां पर H2O, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ एसिटामाइड. बेसिकली प्रयोगशाला में हम एक राउंड बॉटम फ्लास्क में गोल पैंडी के फ्लास्क के अंदर अमोनियम एसिटेट लेते हैं और उसमें ग्लेशियल एसिटिक एसिड, परिशुद्ध प्योर एसिटिक एसिड इसमें मिलाकर के इसको रिफ्लेक्स करते हैं. यहां पर बच्चों ये एक ट्यूब मैंने लगाई हुई है, दिस इज द एयर कंडेंसर, है ना. हम बीएससी पार्ट 2 में या 3 में जब ऑर्गेनिक प्रिपरेशंस करते हैं तो ऑर्गेनिक प्रिपरेशंस में रबर कॉर्क के ऊपर एक लंबी ग्लास ट्यूब लगाते हैं, दिस इज द एयर कंडेंसर. मैंने इससे पहले जो सिंथेसिस किए थे उसमें वाटर कंडेंसर के बारे में बताया था, जल संघनित्र वाटर कंडेंसर के बारे में बताया था कि किस प्रकार जल संघनित्र में चारों तरफ जल का प्रवाह होता है और बीच में जो ट्यूब होती है उसके अंदर जो प्रोडक्ट थी या जो हमारा जिसे हमें प्राप्त करना है इच्छित उत्पाद डिजायर्ड प्रोडक्ट उसकी जो वाष्प होती है वो कंडेंस होकर के वाटर कंडेंसर में लिक्विफाई हो जाती है. यहां पर हमने यूज किया है एयर कंडेंसर. तो बच्चों क्या है कि इस एपरेटस में एक राउंड बॉटम फ्लास्क है, इस राउंड बॉटम फ्लास्क के ऊपर हमने एक एयर कंडेंसर लगाया है लंबा, इससे भी एक लंबी ट्यूब होती है जिससे क्या होता है कि इस रिएक्टेंट की जो वेपर्स ऊपर आती हैं वो वेपर्स एटमॉस्फेयर में ठंडी होकर सेल्फ यहां पर बच्चों ये वापस इसके अंदर गिर जाती हैं, रिकलेक्ट हो जाती हैं, राइट. तो बच्चों क्या करते हैं हम एक गोल पैंडी के फ्लास्क में अमोनियम एसिटेट एंड ग्लेशियल एसिटिक एसिड इनको बराबर मात्रा में लेकर के इस फ्लास्क को एक लंबा एयर कंडेंसर लगा के 4 आवर्स तक अप्रोक्सीमेट 4 to 5 आवर्स इसको हम हीट करते हैं. एग्जैक्ट 4 घंटे टाइम नहीं है, इसको 3.5 से 5 घंटे तक इसको हम गर्म करते हैं, अच्छी तरह से इसको रिफ्लेक्स करते हैं. देखो बेटा यहां पर हमने इसको हम डायरेक्ट हीटिंग कर रहे हैं, यहां पर है ना, इसकी हीटिंग जो हम डायरेक्ट करते हैं यहां पर. जब इस फ्लास्क में रिएक्टेंट्स क्या क्या है, अमोनियम एसिटेट एंड ग्लेशियल एसिटिक एसिड, तो बच्चों जब ये रिएक्टेंट्स बॉइल होना शुरू हो जाते हैं तो क्या होता है कि हम यहां पर इसकी फ्लेम को स्लो कर देते हैं और इसके ऊपर एक वायर होस लगा देते हैं,
हम एक्चुअली क्या होता है बेटा कि वायर गोज एस्बेस्टास वायर गोज एक तरह की जाली आती है प्रयोगशाला में, एक इस तरह की जाली होती है उसके ऊपर इस तरह से एक राउंड व्हाइट एस्बेस्टास का एक शीट लगी रहती है, वो हम यहां पर लगाते हैं। वी आर यूजिंग हियर दिस एस्बेस्टास वायर गोज और इसको हम हीट करते हैं करीब अप्रॉक्सीमेट 4 to 5 आवर्स। बच्चों यहां पर अमोनियम एसिटेट का मैंने यहां लिखा है आंशिक निर्जलीकरण इज द पार्शियल डिहाइड्रेशन, है ना बच्चों? यहां पर रिमूवल ऑफ H2O और पार्शियल निर्जलीकरण होता है और इस गर्म मिक्सचर को हम आसवन फ्लास्क में, देखो बेटा अब यहां पर क्या करते हैं, इस जगह पर आकर के जब हमारा ये मिक्सचर रिएक्शन मिक्सचर अमोनियम एसिटेट एंड ग्लेशियल एसिटिक एसिड का ये मिक्सचर जो होता है, इसको जब हम 4 से 5 घंटे रिफ्लक्स कर लेते हैं एस्बेस्टास वायरगोज लगा करके, डायरेक्ट हीटिंग कर रहे हैं यहां पर स्लो फ्लेम के साथ, यहां पर फ्लेम को हम धीमा कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन मिक्सचर को डिस्टिलेशन फ्लास्क में, आसवन फ्लास्क में, बच्चों मैंने एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड में जो असेंबली बताई थी अब हम उसका यूज करेंगे यहां पर, राइट? ये दिस इज द डिस्टिलेशन फ्लास्क, मैंने उसका चित्र नहीं बनाया है, मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि जो असेंबली मैंने एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड में मैंने समझाई है उसी असेंबली को लेकर हम चलते हैं यहां पर। और आसवन फ्लास्क में एयर कंडेंसर लगा करके गर्म करते हैं तो बेटा यहां पर बॉइलिंग पॉइंट 220 डिग्री सेंटीग्रेड, इट्स वेरी हाई, दिस बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी हाई, इसीलिए क्या है इसको हम यहां पर डायरेक्ट हीट कर रहे हैं। यहां पर हमने वहां पर सेंट बाथ लिया था, एक के अंदर वाटर बाथ लिया था, लेकिन यहां पर हम इसको डायरेक्ट हीट करते हैं तो बेटा 220 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये जो एसिटामाइड होता है ये कंडेंस्ड होकर फ्लास्क में आ जाता है। हमारा जो रिसीविंग फ्लास्क होता है ग्राही फ्लास्क होता है। एक बात और कि यहां पर हम जल संघनित्र का प्रयोग नहीं करते, राइट? यहां पर हम वाटर कंडेंसर का यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये 220 डिग्री सेंटीग्रेड पर जैसे ही फ्यूम्स इसकी आती हैं हम इसको लेते हैं बच्चों एयर कंडेंसर में, एक ट्यूब लगा देते हैं और उस ट्यूब से हम इसको जो हमारा रिसीविंग फ्लास्क है जिसके अंदर हमें प्रोडक्ट को रिसीव करना है, ग्राही फ्लास्क है उसके अंदर इसको एकत्रित करते हैं, फ्लास्क में आ जाता है। अब बच्चों क्या होता है कि जब ये रिसीविंग फ्लास्क में एसिटामाइड आ जाता है तो थोड़े समय के बाद ये अपने आप सॉलिडिफाई हो जाता है, राइट? एसिटामाइड को, ये जो हमारे पास सॉलिड एसिटामाइड बनता है इसको हम एल्कोहल एंड बेंजीन इन दोनों सॉल्वेंट्स के अंदर डिजोल्व करके इसको क्रिस्टलाइज करते हैं और क्रिस्टलाइज करने के बाद इसका हम क्रिस्टलाइजेशन इज ए प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, एक निडल्स फॉर्म में क्रिस्टल बनते हैं एंड दिस इज द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, राइट? इस प्रकार से हम यहां पर शुद्ध एसिटामाइड का प्रयोगशाला में संश्लेषण करते हैं, राइट? नाउ वी स्टार्ट प्रॉपर्टीज, इसके गुण। इट इज ए कलरलेस सॉलिड, जैसे मिश्री होती है उस तरह का सॉलिड है, जैसे शुगर होती है एसिटामाइड उस तरह के क्रिस्टल फॉर्म में ये सॉलिड होता है, राइट? तो इट इज ए रंगहीन ठोस होता है, नंबर एक। नंबर दो, प्योर एसिटामाइड में इट इज ऑडरलेस, ये गंधहीन होता है लेकिन इंप्योरिटीज की वजह से अगर इसमें अशुद्धता होती है तो सड़े हुए चूहे जैसी गंध इसमें आती है, जो मरा हुआ रैट होता है उसके अंदर जैसी स्मेल आती है उस तरह की एसिटामाइड की स्मेल आती है। और इस एसिटामाइड की एक और प्रॉपर्टी क्या होती है, इट इज ए हाइग्रोस्कोपिक। हम सबसे कॉमन एग्जांपल कि हमारी जो ईडिएबल सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड, नमक जो हम खाने में प्रयोग करते हैं बारिश के दिनों में वो नम हो जाता है बहुत ज्यादा,
राइट, क्योंकि उसकी टेंडेंसी कैसी होती है, हाइग्रोस्कोपिक, नमी को एब्जॉर्ब करने की। तो एसिटामाइड क्या है, इट्स ए हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड। ये अगर हम इसको खुला छोड़ेंगे तो ये गीला सा हो जाता है, राइट। वाटर एंड एल्कोहल में आसानी से घुल जाता है। अब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज 82 डिग्री सेंटीग्रेड। सॉलिड कंपाउंड होता है तो सॉलिड कंपाउंड का गलनांक कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर ये पिघलता है, 82 डिग्री सेंटीग्रेड पर एसिटामाइड पिघलता है। और इसका बॉइलिंग पॉइंट है 220 डिग्री सेंटीग्रेड, 222 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये उबलना शुरू कर देता है, बॉइल होना शुरू कर देता है। दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो क्वथनांक किसका है, 222 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि लो मॉलिकुलर वेट होने पर भी हम देखते हैं CH3CONH2 इसका मॉलिकुलर वेट कम होता है, बट यहां पर इसके बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होने के पीछे देयर इज अ रीजन, एक कारण होता है, वो होता है दिस इज द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पर मैंने आगे बताया है कि एक मॉलिक्यूल एंड दिस इज द सेकेंड मॉलिक्यूल, दिस इज द थर्ड मॉलिक्यूल एंड दिस इज द फोर्थ मॉलिक्यूल। और फर्दर मैंने इसके अंदर इस तरह से बॉन्डिंग बताई है कि इस प्रकार से एसिटामाइड के अणु आपस में अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनके क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर के, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर के एक सहगुणन स्ट्रक्चर एसोसिएशन बना लेते हैं, राइट। देखो बेटा, हम अगर अकेले होते हैं तो हमारा कोई भी बॉइलिंग पॉइंट निकाल देगा, लेकिन अगर हम संगठित होते हैं, हमारा कहीं से हमारा पड़ोस में हमारा फ्रेंड सर्किल, हमारा सोशल दायरा होता है तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा हाई होता है, नहीं तो कोई भी हमारा बॉइलिंग पॉइंट निकाल देगा, राइट। तो यहां पर बच्चों एसोसिएशन से मतलब है हमारा सोशल, यहां पर बच्चों ये मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। देखो बेटा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं इसको बीएससी पार्ट फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो दिस इज द इंटर मॉलिक्यूलर बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, है ना। एक बात और मैं यहां बता देता हूं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड की यहां पर बात हो रही है। देखो बेटा, तीन शब्द हैं हिंदी के, एक है अंतः, एक है अंतरा। तो बेटा अंतः और अंतरा एक ही शब्द है। मैंने लगभग सभी किताबों को देखा है और सब बुक्स के अंदर अंतः को अंतर लिखा है, अंतरा को अंतर लिख दिया, सब वही जो बात मैंने कहा था एक लेक्चर के अंदर कि पोल में होता है होल और होल में होती है पोल और पोलम पोल। तो स्थिति ऐसी हो रखी है किताबों की कि अंतरा को अंतर लिख दिया, अंतर को अंतरा लिख दिया। तो बेटा इसको आप, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसको इस तरह से याद करें, इंटर मॉलिक्यूलर एंड इंट्रा मॉलिक्यूलर, राइट। अगर बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल होते हैं वो होगा इंट्रा मॉलिक्यूलर। आप अंत अंता अंतरा अंतर इसको छोड़ो, आप इसको दो शब्द याद कर लो, एक शब्द है इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल्स, राइट। और सेकंड चीज क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर। हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे तो हमारा कोई भी बॉइलिंग पॉइंट निकालने से पहले सोचेगा, नहीं तो कोई भी बॉइलिंग पॉइंट हमारा निकाल देगा अगर हम किसी से बातचीत नहीं करेंगे, चुपचाप रहेंगे। तो समझ आ रहा है, तो एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट यहां पर, दिस इज द रीजन। बच्चों यहां पर ऐसे एसिटामाइड जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, अब देखो बेटा मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा कब होगा, जब ये एल्काइल ग्रुप इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्यादा हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, राइट। जैसे एसिटामाइड, प्रोपेनेमाइड, ब्यूटेनेमाइड, हम इसमें कार्बन की संख्या बढ़ाते जाते हैं। तो बच्चों यहां पर एल्काइल ग्रुप का आकार बड़ा हो जाने से इनमें इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होने के कारण कम अणुभार वाले एमाइड्स की तुलना में बॉइलिंग पॉइंट
यहां पर इसको हम करेक्ट कर देते हैं, मे बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। यहां पर जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ता जाएगा तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा, इसलिए यहां पर बॉइलिंग पॉइंट्स कम होंगे क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज। नाउ वी स्टार्ट केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रियाएं। तो बच्चों यहां पर क्या होता है कि एसिटामाइड, हम जब एसिटामाइड की रिएक्शन वॉटर एसिड एंड बेस तीनों से कराते हैं तो ये एसिटामाइड का मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, टूट जाता है, अपघटित हो जाता है। ठीक है बच्चों, देखो बेटा यहां पर मैंने एक का बताया है कि किस प्रकार से यहां पर वॉटर के साथ रिएक्शन होती है, दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर। ऑब्वियसली मैंने हर जगह ये कहा है CO ग्रुप, तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट। तो यहां पर बच्चों पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास शिफ्ट होंगे, ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स की प्रचुरता होगी, अधिकता होगी, दिस इज पार्शियली नेगेटिव, व्हाइल दिस कार्बन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन न्यून होगा। ऐसी स्थिति में यहां पर रिएक्शन बच्चों किस तरह से होगी, नाउ दिस हाइड्रोजन कम्स हियर क्योंकि इस पर एक तो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और दूसरा इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं, सो दैट दिस हाइड्रोजन कम्स हियर एंड फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया एंड दिस OH कम्स हियर, राइट। एक तरह से मैं इसको ये कह दूं कि इट्स ए सॉर्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक इसने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इस तरह की रिएक्शन यहां पर होती है। और एसिटामाइड का मॉलिक्यूल बच्चों NH2 को रिप्लेस कर रहा है OH-, है ना, इस तरह की रिएक्शन इसमें होती है, राइट। यहां पर नेक्स्ट एसिटामाइड की रिएक्शन एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। ठीक है बेटा, तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, व्हाट आई राइट हियर, दिस इज द OH, हम यहां पर बच्चों एसिटामाइड का हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं एसिडिक मीडियम में, देन अगेन दिस OH ग्रुप इज रिप्लेस्ड, सॉरी दिस NH2 ग्रुप, OH गलत बोला मैंने, दिस NH2 ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय दिस OH ग्रुप एंड फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, क्योंकि अमोनिया बाहर निकलेगी बच्चों, इसका जब हम एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो सेम अमोनिया बाहर निकलेगी, लेकिन चूंकि एसिड यहां पर है तो यहां पर अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। थर्ड वन, तीसरे वाले में हम करा रहे हैं बेस के साथ जल अपघटन, तो बच्चों यहां पर भी दिस NH2 इज रिप्लेस बाय OH ग्रुप, लेकिन चूंकि यहां पर शार होता है, बेस होता है, तो एसिड का H+ सोडियम से रिप्लेस हो जाता है, तो इसलिए यहां पर बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट, राइट। तो एसिटामाइड का हाइड्रोलाइसिस बेस के साथ कराने पर यहां बनता है सोडियम एसिटेट, बनता तो एसिडिक एसिड है, राइट, लेकिन चूंकि यहां पर हमने NaOH काम में लिया है तो ये H+ रिप्लेस हो जाता है सोडियम से, एंड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम एसिटेट एंड अमोनिया, राइट। नाउ सेकेंड केमिकल रिएक्शन, एक्चुअली एसिटामाइड का नाम आते ही हम सोचते हैं कि इसमें ग्रुप होता है CONH2, इसके अंदर बच्चों जो ग्रुप होता है वो होता है इसके अंदर ये वाला, और यहां पर हम सोचते हैं कि इसकी वजह से कि बेसिक इन नेचर है ना, तो इस रिएक्शन को मैंने यहां पर अच्छी तरह से ये बताया है कि एसिटामाइड इज एक्ट एज ए वीक एसिड एंड एज ए वीक बेस, ये एक दुर्बल अम्ल की तरह व्यवहार करता है और एक दुर्बल क्षार की भांति, बेस की भांति व्यवहार करता है। बच्चों यहां पर क्या होता क्या है कि इस CO ग्रुप के होने से यहां पर दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड किए, राइट। सो दैट क्या होता है कि यहां पर ये नाइट्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाते हैं, तो नाइट्रोजन के ऊपर अवेलेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इस CO ग्रुप की वजह से
मैं एक बार और इसको अच्छे से बता देता हूं आपको। दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर। ऑब्वियसली मैंने हर जगह इस चीज को बताया है, कार्बन आयन ग्रुप इज ए पोलर बॉन्ड। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आती है तो दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर। तो मैंने आपको बताया है कि सीओ ग्रुप की प्रेजेंस के कारण NH2 ग्रुप की बेसिक नेचर कम हो जाती है। बच्चों यहां पर ये जो H+ होता है, इस H+ को क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉन देने का नेचर कम हो जाता है, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगी और कम होगी अवेलेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मैंने लिखा है यहां क्षारीय प्रवृत्ति कम हो जाती है एवं एसिडिक नेचर बढ़ जाती है। तो इन द फर्स्ट रिएक्शन व्हेन एसिटेमाइड रिएक्ट विद HCl राइट, तो बच्चों इसका बनेगा धनावेश। दिस प्रोटोन कम्स हियर राइट एंड फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम राइट, दिस इज द एसिटेमाइड का ईएम सॉल्ट क्लोराइड। दिस शोज बेसिक नेचर, दिस एक्ट एज ए बेस रिएक्ट विद द एसिड राइट। तो दिस रिएक्शन इंडिकेट्स दुर्बल अम्लीय सॉरी दुर्बल क्षारीय प्रकृति, बट इट्स एक्ट एज ए बेस ना, रिएक्ट विद एसिड एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, देन ये शो करता है दुर्बल क्षारीय प्रकृति को। दूसरा रिएक्शन है बच्चों मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ, हमने दो मॉलिक्यूल एसिटेमाइड के लिए हैं और यहां पर बच्चों देखो बेटा क्या हो रहा है कि दो मॉलिक्यूल लिए हैं तो यहां पर इस तरह से ये यहां पर बच्चों H2O एंड फॉर्मेशन ऑफ मर्करी सॉल्ट, एसिटामाइड का मर्क्यूरिक सॉल्ट यहां पर फॉर्मेशन होता है एंड दिस रिएक्शन शोज बच्चों यहां पर क्या हो रहा है H+ बाहर निकल रहा है। इसलिए मैंने लिखा है यहां पर H+ देने का मतलब क्या हुआ एसिडिक नेचर। तो एसिटामाइड एक दुर्बल अम्ल की तरह भी व्यवहार करता है। तो इस सेशन में इस लेक्चर के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। थैंक यू।